में फंस गया, प्रभु ने ताकत लगाई, दोनों वृक्ष जमीन के गिर गया। इंदिरा हजरत के दोनों वृक्षों को जमीन में गिरा दिया, जैसी को जमीन में गिरने की आवाज मिली अपने कानों में गई है, मैया भाग के आई तो देखा दोनों वृक्ष जमीन के गिर गए हैं, और जो प्रभु दोनों वृक्ष जमीन के गिरे उसमें से दो खुश हो गए। गाय करने हम भी जाया करेंगे,
से जेमा जी पर बाधा नहीं है, बाधा नहीं है प्रभु को। तो प्रभु राजा जी से पूछा तुम कौन हो, बाधा जी पूछने की तुम कौन हो, कभी अकेले तो बताओ कर तुम कौन हो। माता जी कहने लगी हम हमारा नाम राधा, पिता का नाम दुश्मन और मां का नाम। जैसे कीर्ति नाम याद आया है, बताते ध्यान रखे कि मिले राधा की जो मां थी कीर्ति, और ये सोचा मिले ये पास पास की थी, उस समय पैदा नहीं हुई थी, पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जो संतों के द्वारा सुना है वो राधा जी के लिए भी पिता का नाम दुश्मन है, मिलिया का नाम कीर्ति, हमारा राधा है हम बरसात पर हमें तुम्हारा क्या नाम है। कन्हैया कह रहे कि हम हमारा नाम कृष्ण है, पिता का नाम नंद बाबा है, मिलिया का नाम यशोदा, हम गोकुल में रहते हैं। जैसे ये सुना है तो कन्हैया राधा जी से कहने लगे बताओ हमारी शादी हो गई है। राधा जी कहने लगे तुम्हारा जन्म सही है, अभी शादी की हो दिखाई दे रहे हो तुम्हें। प्रभु के लगे ये पूछ रहे हैं, प्रभु ने कहा चलो हम तो मैं अपने घर लेके चलते हैं। आज राधा जी को कन्हैया जैसे गोकुल में लेके आए हैं, और मैया को बताया कन्हैया जी को ये बरसाने में रहती है, इनका नाम राधा है और ये प्रस्थान की नदी है।
ये भी मानव के चक्कर में लग के जाते हैं। अरे अब तो देखो
करनी पड़ो, वो क्या कहा? नाम